हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप भिंडी के बीजों को देख के सोच रहे होंगे कि आज क्या बनने वाला है कुछ खास, क्योंकि मोस्टली सब लोग भिंडी का बीज फेंक देते हैं, उसका तो कोई यूज़ करता नहीं है। जिसको पसंद है भिंडी का बीज, वही भिंडी के बीज को रखता है, वरना उसको निकाल के फेंक देता है। तो आज हम इससे कुरकुरे पकौड़े बनाने वाले, तो आप भी देखना चाहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे कपड़े से पोंछ भी लिया है, जैसे कि इसमें पानी ना रह जाए। अब हम इसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर से काट लेंगे और अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में मतलब कटिंग कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मत सोचिए कि हम यहाँ मैथ करने वाले हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, हम आज पकौड़े बनाने वाले हैं, कुछ अलग पकौड़ा। अब इसे दो पार्ट में काटने के बाद उसे फिर एक पार्ट लेंगे और इसे सिंगल काट के फिर पतला पतला इसे काट लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, एज यू विश है कि आप उसे कितना पतला काटना चाहें। आप मोटा भी रख सकते हैं। भिंडी के बीज से जो वाइट बीज निकला है उसे भी अलग रख लेना। आप दोनों को एक बाउल में रखना है, जो हमने कटिंग किया है भिंडी और उसके बीज को। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसन डालेंगे, इसमें हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा पाउडर। घर में जीरा को भूंज ले और पीस के डालें, जिससे कि इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिला लें। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसे चलिए फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और कमेंट ज़रूर कर दे, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए कुछ अलग नया नया लाने का। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वही रेसिपी बनाया जाए जो घर में ऑलरेडी होता है, जैसे कि भिंडी हो गया और भी अदर चीज़ें, ना कि हमें बनाने के लिए पहले लेके आना पड़े, फिर सोचे बनाए नहीं बनाए। ये सब तो हमारे घर में रहता, ऑलरेडी कभी भी बनाए और खाए और बहुत टेस्टी लगता है। हमारा ये बनके तैयार हो गया है भिंडी का क्रिस्पी पकौड़ा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको चटपटा और चाहिए तो इसके ऊपर आप काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।